और बीते कल बीट बिलिंग से सोलो पैराग्लाइडिंग की उड़ान भरकर कुल्लू की तरफ निकले सिंगापुर के एक पायलट की बड़ा बंगाल और कुल्लू के बीच की पहाड़ियों में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हालांकि मनाली के एयर हिमालया हेली रेस्क्यू दल ने वक्त रहते उसे सुरक्षित बचा लिया। जी मीडिया ने पूरी टीम और रेस्क्यू किए गए पायलट से खास बातचीत की। बीट बिलिंग से पैराग्लाइडिंग करते हुए एक पायलट जो है वो मौसम खराब होने के चलते 2900 मीटर की ऊंचाई पर ही फंस गया था, जिसके बाद एक रेस्क्यू मिशन को कंडक्ट किया गया जिसमें एयर हिमालय की रेस्क्यू टीम ने जो है वो बड़ी बहादुरी से इस पायलट को एक ऐसे स्पॉट से एयरलिफ्ट किया है जो कि काफ़ी काबिले तारीफ है। अभी सबसे पहले उन्हीं पायलट से पूछ लेते हैं कि किन कंडीशंस में ये पैराग्लाइडिंग करते हुए फंसे थे, क्योंकि पैराग्लाइडिंग जो है वो बीट बिलिंग से करते हुए मनाली इन्हें पहुंचना था। ये काफ़ी एक्सट्रीम एडवेंचर है। आइए पूछ लेते हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक ज़रूर आ जाएँ। सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ से और कितने सालों से पैराग्लाइडिंग कर रहे हो? मेरा नाम सुमित है, मैं सिंगापुर में रहता हूँ और पैराग्लाइडिंग 20 साल से कर रहा हूँ। तो कल जब आपने एक हाई फ्लाई के लिए अटेम्प्ट किया था तो क्या ऐसी कंडीशंस थी और कहाँ आप फंसे हुए थे? जब मैं निकला कंडीशंस ठीक थे और मैं पहले भी आया हूँ मनाली, तो उसी रूट पे आ रहा था। फिर मैंने देखा कि मनाली साइड में थोड़ा बादल ज़्यादा हैं और हवा का रुख फेवरेबल नहीं है, तो फिर मैंने जगह ढूँढी जहाँ लैंड कर सकता हूँ और वहाँ लैंड किया। तो वहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता था, पैदल के अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता, तो किस तरीके से मन में उस वक्त चल रहा था और कैसे एयर हिमालय को जो है आपने कांटेक्ट किया ताकि आपको जल्द से जल्द एयरलिफ्ट भी करना ज़रूरी था क्योंकि आज से मौसम ख़राब चल रहा था? नहीं, वहाँ काफ़ी बर्फ़ थी तो चलने में तो दिक्कत होगी, लेकिन मेरे दोस्त जो मनाली में थे वो मेरे को एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने हिसाब लगाया हुआ कि मैं नहीं पहुँचा तो कहीं बीच में लैंड किया होगा, तो उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उनको रास्ता मालूम है किस रास्ते से हम आते हैं, तो वहाँ मैं मेरा ग्लाइडर वगैरह मैंने फैला के रखा था, तो ऊपर से उन्होंने देखा और बड़े स्किल के साथ चॉपर लैंड किया, फिर बर्फ़ पे चुनी जी आए और मेरे को चॉपर में ले गए। तो हमने वो काफ़ी दूर से उसको स्पॉट किया पैराग्लाइडर, तो देन वी टारगेट द बेसिकली पैराग्लाइडर। पैराग्लाइडर के जब नज़दीक पहुँचे तो वो साइड में वो ब्राइट जैकेट पहने हुए थे, और नॉर्मली जो लोग माउंटेंस पे रहते हैं उनके पास ब्राइट क्लोथिंग होती है, तो विच इज़ सेंसिबल, तो हमने इनको स्पॉट किया। तो फिर हमने अपनी लैंडिंग जगह चूज़ की, फिर वहाँ से हमें कुछ वॉक करके इनके पास जाना पड़ा, तो पैदल आस्ता आस्ता बिकॉज ही कुड स्टिल स्टैंड, एनर्जी नहीं थी लेकिन आस्ता आस्ता लेके आए, तो चॉपर के पास देन भी बिल्कुल पायलट भी साथ हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपका काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है इन पहाड़ियों पर फ्लाई करने का, जिस तरीके से आप इस स्पॉट से रेस्क्यू करके जब कंडक्ट कर रहे थे सर, क्या मन में चल रहा था, कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग रेस्क्यूज़ होते हैं इस तरीके से? हाँ, सर्टनली इट वाज चैलेंजिंग, यू जस्ट प्रेइंग टू वेदर गॉड इट शुड होल्ड गुड, एंड देयर आफ्टर इट वाज अननोन प्लेस, सो वी आर प्रेइंग वी शुड गेट सम काइंड ऑफ लैंडिंग प्लेस सो दैट वी कैन लैंड एज क्लोज एज पॉसिबल, कीपिंग ऑल द सेफ्टी थिंग्स इन माइंड close to the paraglider pilot. Very happy we could rescue somebody. Time is of utmost importance. बिल्कुल आपने सही कहा, और ये वो तमाम बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई हैं जो काफ़ी बेहद ज़रूरी है जानना कि कितना चैलेंजेबल जो है वो इस तरीके के रेस्क्यू मिशन रहते हैं। सर मैं आपसे आखिरी एक मैसेज लेना चाहूँगा, जाहिर तौर पर एडवेंचर जो है रिस्की ज़रूर होता है लेकिन रोमांच से भरा रहता है, आप जिस तरीके से एक्सपीरियंस पैराग्लाइडर पायलट हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरीके की कंडीशंस में वो ना फंसें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेफ्टी का ख्याल रखें? हाँ ज़रूर, रिस्क मैनेजमेंट इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, वेदर फोरकास्ट, फ्लाइंग विद अदर पायलट्स, ये सब ख्याल रखना ही होता है अगर हमने खूब साल अपना एडवेंचर स्पॉट करना है। संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश।